third preparation of alcohols by hydrogenation oxidation of alkenes. Alkenes, simplest member, ethene formula, CH2, double bond, CH2. इसको हम ट्रीट करेंगे विथ B2H6 डाइबोरेन पटना. सॉल्वेंट रहेगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? इंटरमीडिएट. तो यहां पे CH2 पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बनेगा CH3, एंड बोरॉन गोस टू दिस कार्बन, बनेगा CH2B. दोनों कार्बन पे एक एक एटम चला गया, ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड, और यहां प्रोडक्ट बनेगा थ्राइस बी. ऐसा लिखना. अब यहां तीन क्यों लिखा? बोरॉन की वैलेंसी तीन रहती है, इसको पढ़ना तीन बार, इसलिए ट्राई. CH3CH2 इथाइल, और ये रहेगा बोरेन. अब देखते हैं ट्राई इथाइल बोरेन एग्जैक्टली बनता कैसे. यहां मैं डिटेल में बता रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, B2H6 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2BH3, ऐसा भी लिख सकते हैं. अब BH3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं HBH2 फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि रिएक्शन आसानी से समझ में आएगा. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 रहती है, बोरॉन की 2.04 रहते हैं. जब ये बॉन्ड ब्रेक होता, इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन के पास चला जाता, एच निगेटिव बनता, और ये रहेगा पॉजिटिव पार्ट. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, सबको पता ही है. इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. क्यों? बिकॉज दिस डबल बॉन्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पाई बॉन्ड रहता, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां रहते, जो कि मूव होते रहते हैं, मोबाइल रहते हैं, जिसके कारण दिस डबल बॉन्ड एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक करता. अब समझो एच यहां पे चला गया तो बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2. अब H यहां ऐड हो गया, ये BH2 यहां पे ऐड कर, उसके बाद ये फेस से इथीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा. रिएक्ट होते समय यहां से H यहां पे ऐड होगा, H यहां पे ऐड हो गया तो CH3CH2 बनेगा. CH3CH2 यहां एक बार बन गया और यहां दूसरा, तो बनेगा CH3CH2 ट्वाइस, और यहां क्या बचेगा? BH. फिर से ये किसके साथ कंबाइन होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2. सेम वे रिएक्शन होगा, हमें मिलेगा CH3CH2 नाउ थ्राइस, और यहां बचेगा ओनली बी, ट्राइथाइल बोरेन फॉर्मड हियर. उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया जाता? ट्राइथाइल बोरेन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता इन स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, डाइल्यूट NaOH वगैरह यूज किया जाता है. प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो यहां पे OH अटैक करेगा, सो दैट वी विल गेट CH3CH2OH, और जो दूसरा OH है इस B के साथ जुड़ेगा BOH. लेकिन हमने आपको बताया बोरॉन की वैलेंसी तीन रहती, इसलिए BOH थ्राइस लिखना पड़ेगा. और यहां पे हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, किस प्रकार से देखो जरा. इस स्टेप को हमने बैलेंस नहीं किया है, यहां दो बोरॉन है इसलिए यहां दो लिखेंगे, बैलेंस्ड हो गया. 2, 3 = 6, इसलिए यहां 6 लिखना पड़ेगा. बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां देखो जरा एग्जैक्टली कैसे बैलेंस हम करेंगे. तो यहां पे तीन है इसलिए यहां हम तीन लिखेंगे. अब ये 3OH प्लस 3OH टोटल 6OH हो गया. यहां पहले से दो अवेलेबल है इसलिए यहां तीन लिखना पड़ेगा. इक्वेशन बैलेंस्ड, व्हाट इज फॉर्मड हियर? इथाइल अल्कोहल. इस प्रकार से हम अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम अल्किन्स बाय यूजिंग डाइबोरेन. नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको पढ़ना प्रोपीन प्लस डाइबोरेन रहेगा, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2BH3,
और BF3 twice भी लिखा जा सकता है या B2S6 भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे, इंटरमीडिएट कौन सा रहेगा, तो यहां पे देखिए H इस कार्बन पे चला जाएगा CH3CH2, यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा CH2B रहेगा, बोरॉन की वैलेंसी 3 बैलेंस करेंगे, यहां 2 है इसलिए यहां 2 लिखना पड़ेगा, 2 3 6, यहां 6 रहेगा। इसको पढ़ना ट्राई, 3 बार ट्राई, ये कौन सा ग्रुप है, एन प्रोपाइल और सिंपली प्रोपाइल भी आप लिख सकते हो, ट्राई प्रोपाइल बोरेन इज फाउंड हियर। देन सेकंड स्टेप में CH3CH2CH2 थ्राइस बी प्लस एच OH, 3 बार लिखना, सेम रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा इन स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा CH3CH2CH2, यहां जोड़ना OH प्लस बाई प्रोडक्ट BOH थ्राइस, और तो बोरिक एसिड इसे पढ़ा जाता, इसका नाम रहेगा दिस इज एन प्रोपाइल ग्रुप, अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो OH के लिए अल्कोहल रहेगा। अब इस रिएक्शन को हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों कहना, देखो जरा, तो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों ऐड हो रहे इसलिए हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों कहना, तो यहां देखो जरा, ये जो डाइबोरिन रहेगा, सॉरी ये जो पेरोक्साइड रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन जो इसमें ऐड होके अल्कोहल बनता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसलिए इसको ऑक्सीडेशन नाम दिया गया। अब हमने यहां इस प्रकार के कंपाउंड्स क्यों बनाए हैं, डाइबोरेन ही क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज दीज आर द स्टेबल कंपाउंड्स, ये जो अल्काइल बोरेन्स होते हैं ना वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जिनका इजीली ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्कोहल्स बनते हैं। अब हमने इसके पहले एक और रिएक्शन आपको पढ़ाया है, कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन्स बाय यूजिंग H2SO4, जिसको हम एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन कहते हैं। अब इन दो रिएक्शंस में विच वन इज बेटर, तो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स में कार्बोकैटायन बनता एज एन इंटरमीडिएट जिसका रीअरेंजमेंट होता है, यहां कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए यहां जो अल्कोस का यील्ड मिलेगा दैट विल बी बेटर एज कंपेयर टू एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स। अब देखना, ये प्रोपीन है और ये प्रोपाइल अल्कोहल है, इन दोनों का स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चलता इस अल्किन में कौन ऐड हुआ, तो देखो यहां CH3 है CH3, यहां CH है CH2, एक हाइड्रोजन ज्यादा का आ गया और यहां एक OH ज्यादा का आ गया, मतलब इसमें कौन ऐड हुआ, ओवरऑल रिएक्शन देखने के बाद पता चलता वाटर इज एडेड अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन देखो वाटर कैसे ऐड हुआ, तो वाटर में जो निगेटिव पार्ट रहता वो OH रहता, OH कौन से कार्बन पे चला गया, दो में से, ऐसे कार्बन पे जहां हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्यादा है, जब निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, उस समय उस रूल को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, मीन्स यहां क्या होगा, वाटर एडेड टू अल्किन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, अच्छे से याद रखना है, वॉटर कैसे ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, CH3 डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, 3 3 थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप से इसलिए डाई मिथाइल रहेगा, ब्यूट 4 कार्बन के कारण, 1 ENE डबल बॉन्ड के कारण, यहां 2 प्रकार के रिएक्शन हम पढ़ेंगे, पहला रहेगा BH3 NTHF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कहलाएगा और यहां H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, व्हाट इज द रीजन थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। अब देखो जरा, हमने अभी आपको पढ़ाया कि यहां वाटर ऐड होगा जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकोव्स रूल, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसलिए हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आपको याद रखना है, CH3CCH3 हियर CH3 यहां CH2 यहां रहेगा CH2OH,
यहां दो हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, इसलिए नेगेटिव पार्ट OH जो रहेगा इस कार्बन पे चला जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसका नाम 1, 2, 3, 4 रहेगा, 3,3-dimethyl देन ब्यूटेन 1-OL। और अगर हम इस प्रकार से कैरी आउट करते हैं रिएक्शन को, H पॉजिटिव H2O, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में अगर कैरी आउट करेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर, रिएक्शन कैसे होगा अकॉर्डिंग टू द असेंबल मैकेनिज्म, मींस कार्बोकेटन बनेगा जो रीअरेंज होगा और प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, देखिए जरा CH3CCH3। अब देखो पहले H पॉजिटिव अगर अटैक करता है तो यहां H पॉजिटिव ऐड होगा, यहां H ऐड होगा, तो CH पॉजिटिव बन गया। CH पॉजिटिव बन गया मतलब कौन सा कार्बोकेटन रहेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी कैन रीअरेंज टू टर्शरी, ऑलरेडी हमने रीअरेंजमेंट इसके पहले दो एग्जांपल्स में पढ़ाया है, आप अच्छे से देख लोगे। ये सेकेंडरी कार्बोकेटन टर्शरी पे, टर्शरी में रीअरेंज होगा, इसलिए पॉजिटिव यहां जाएगा मतलब OH भी यहां अटैक करेगा। आप मैकेनिज्म लिख के देख सकते हो, OH यहां पे रहेगा और बाद में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसको हम क्या पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 2, 3-dimethyl। देन चार कार्बन है ब्यूटेन देन 2-OL, इस प्रकार से रहेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अपोजिट टू मार्कोनिक ऑफ सिरोल, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन फॉर्म्ड। अब यहां पे हम OH नेगेटिव या अल्कलाइन मीडियम का यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो अल्कलाइन मीडियम क्या करेगा देखिए जरा, HOOH दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस रहेगा NaOH, तो ये H पॉजिटिव इसके साथ निकल जाता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होता, सो दैट HOO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम पेरोक्साइड इज फॉर्म हियर प्लस वॉटर, और बाद में जो पेरोक्साइड आयन है इट एक्ट्स, या हम कहेंगे ये पेरोक्साइड आयन अटैक करते जाता है टू इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसको हम अल्काइल बोरिन कहते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता चलता है कि पेरोक्साइड आयन अल्काइल बोरिन पे अटैक करते जाता है कंटिन्यूअसली, सो दैट विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल हियर। फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें बाइवेलेंट कार्बोनिल ग्रुप रहता, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हम यहां यूज करेंगे, तो पहला क्लास एल्डिहाइड, सेकंड क्लास इज कीटोन्स एंड थर्ड क्लास इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर को भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन एक तीन क्लास को हम यहां कंसिडर करेंगे। सबसे पहले लेंगे एल्डिहाइड RCHO, इसे हम ट्रीट करेंगे विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनियम और पैलेडियम, इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं सोडियम इन इथाइल अल्कोहल और LiAlH4 और NaBH4। अब ये जो आपको दिख रहा सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ऑल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसा एजेंट रहेगा विच प्रोड्यूसेस नेसेंट हाइड्रोजन। अब यहां पे देखो बेटा, ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम रहेगा, हाइड्रोजन किस प्रकार से ऐड होगा, एक कार्बन पे दूसरा जाएगा ऑक्सीजन पे, सो दैट प्रोडक्ट आर CH प्लस H बनेगा CH2O प्लस HOH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। और ये कौन सा क्लास रहेगा, अल्डिहाइड। ये जनरल इक्वेशन आप अच्छे से याद रखोगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, सो अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अब रिडक्शन हुआ में कैसे पता चला, हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेंगे CH3CHO, R की जगह पे इस पढ़ते हैं एसिट अल्डिहाइड,
कंडीशन सेम रहेगा, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो ये रिएक्शन समझे, ये आप आसानी से लिख सकते हो, सी एच थ्री इंटैक्ट रहेगा, सी एच ओ ऑन रिडक्शन गिव्स सी एच टू ओ एच। ये अच्छे से याद रखना, रिमेंबर वेरी वेल, दिस सी एच ओ ऑन रिडक्शन गिव्स सी एच टू ओ एच, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर आप इजिली लिख पाओगे। दिस इज इथाइल अल्कोहल, ये ग्रुप इथाइल रहेगा, ओ एच मीन्स अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर सी ओ आर विच क्लास नाउ कीटोन, सेम कंडीशन हम यूज करेंगे। अब यहां पे एक हाइड्रोजन कार्बन पे, दूसरा ऑक्सीजन पे, जैसे यहां पे हुआ है प्रोडक्ट बनेगा आर सी एच ओ एच आर, इसको पढ़ना सेकेंडरी अल्कोहल। हमें कैसे पता चला, सी एच ओ एच जहां रहता वो सेकेंडरी ही रहेगा, सो कीटोन ऑन रिडक्शन यूज सेकेंडरी अल्कोहल्स, एग्जांपल सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, इसका ट्रेड नेम हम यूज करेंगे एसीटोन, आईयूपीएसी से भी आप लिख सकते हो। क्या बनेगा, सेम वे सी एच थ्री सी एच, एक ऑक्सीजन पे चला जाएगा हाइड्रोजन ओ एच सी एच थ्री, इसको हम पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इन दिस वे कीटोन्स ऑन रिडक्शन फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्लास आर सी डबल ओ एच, इसको हम ट्रीट करेंगे with Li AlH4 and H3O positive or B2H6 in presence of TH जो कि सॉल्वेंट रहेगा। अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दो में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट सी है, तो CO changes to CH2, अच्छे से याद रखना। Once again, which alcohol formed here? Primary alcohol. This is the carboxylic acid. Therefore, carboxylic acid on reduction gives the corresponding primary alcohol. अब यहां हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया है, which is an expensive reagent. काफी महंगा होता है, इसलिए हमें अगर अल्कोहल्स बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से तो हम दूसरा वे यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बनेगा एस्टर RCOOR। यहां डैश अगर हम लेते हैं इस प्रकार से दोनों अल्कोहल डिफरेंट रहेगा, यहां से OHH निकल जाएगा, एस्टर इज फॉर्मड हियर, और बाद में इस एस्टर को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, रिड्यूसिंग सॉरी कैटालिटिक रिडक्शन टेक्स प्लेस हियर, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, बनेगा आर सी एच टू ओ एच, और ये रहेगा आर डैश ओ एच, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स आर फॉर्मड हियर। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमने अल्कोहल्स को बना लिया। एक तो एग्जांपल और हम कंसिडर करते हैं जो पेक्युलर है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच ओ, सेम कंपाउंड हम यहां पे भी लिखेंगे डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच ओ। यहां हम यूज करेंगे एल आर ए एल एच फोर एंड एच थ्री ओ पॉजिटिव, यहां हम यूज करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इसका आईपीसी नेम हम लिखेंगे क्या रहेगा, पांच कार्बन पेंट कहलाएगा, डबल बॉन्ड का पोजिशन थ्री, डबल बॉन्ड के लिए ई एन, वन फॉर सी एच ओ सफिक्स ए एल, सेम नाम यहां रहेगा पेंट थ्री ई एन वन ए एल। अब दोनों केसेस में हमने एजेंट अटैकिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग यूज किया है, एल आई एल एच फोर। अभी आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू रिएक्शंस, एल आई एल एच फोर कैन रिड्यूस ओनली दिस ग्रुप, ये इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच इंटैक्ट, यहां सी एच टू एंड सी एच ओ रिड्यूसेस टू सी एच टू ओ एच, इसका नाम वन टू थ्री फोर फाइव क्या रहेगा, आईपीसी नॉमिनेचर के रूल्स आप अच्छे से याद रखोगे, पांच कार्बन है पेंट रहेगा, डबल बॉन्ड थ्री ई एन वन ओ एल रहेगा। अगर हम एच टू और एना यूज करेंगे तो होपन हियर दोनों ग्रुप्स रिड्यूस होंगे, डबल बॉन्ड भी सी एच ओ भी, तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू, यहां भी हाइड्रोजन ऐड होगा, सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू एंड सी एच ओ रिड्यूसेस टू सी एच टू ओ एच।
वन टू थ्री फोर फाइव क्या बन गया पेंटेन वन ओ एल फॉर्म हियर। अब क्वेश्चन है कि एल आई ए एल एच फोर डबल बॉन्ड को क्यों रिड्यूस नहीं कर सकता, तो याद रखना दिस एल आई ए एल एच फोर प्रोवाइड्स एच निगेटिव आयंस जो कि न्यूक्लियोफाइल रहता। This LiLH4 acts as a strong nucleophile, hard nucleophile. और यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये इसको अटैक नहीं कर पाएगा, remains intact this double bond, इसलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपको ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। लास्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। पहला रिएक्शन हम लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड को एच ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, दूसरा नाम है अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड, इस प्रकार से लिखेंगे। सॉल्वेंट ड्राई ईथर ही यूज करना, वाटर अल्कोहल अमोनिया कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स इजीली वाटर अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है, इसलिए यहां हमें ड्राई एथर ही यूज करना पड़ेगा जो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को स्टेबल बनाता है। अब रिएक्शन कैसे होगा, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स, एक सिग्मा दूसरा पाई, पाई बॉन्ड मोबाइल रहता है, डीलोकलाइज्ड रहता है, मतलब ये क्या होगा यहां से वहां इधर उधर घूम सकता है, यानी ये पाई बॉन्ड जो रहेगा वो किसके पास जाएगा ज्यादा समय के लिए, ऑक्सीजन के पास, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के करीब चला जाने के कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट में याद रखना नेगेटिव पार्ट कौन सा रहेगा, ऑलवेज कार्बन, पॉजिटिव रहेगा MgX, ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा। अब ये आर कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो कॉमन सेंस की बात है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, एच सी हियर आर, देन यहां रहेगा एच, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा ओ एम जी एक्स, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हियर, बाद में हम इसमें डायलूट एसएल एड करेंगे, हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, हाइड्रोलिसिस होते समय यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां एच जुड़ जाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट एच सी एच हियर आर हियर ओ एच, और बाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एम जी एक्स ओ एच के साथ जुड़ेगा, एम जी ओ एच एक्स बाई प्रोडक्ट रहेगा, ये कौन सा अल्कोहल बन गया, तो यहां सी एच टू ओ एच ग्रुप दिख रहा रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल फिक्स्ड ही है। Therefore, formaldehyde on treatment with Grignard reagent in presence of dry ether gives addition product, which on acid hydrolysis gives primary alcohol. अब एक example लेते हैं, H C double bond O नाम क्या रहेगा, formaldehyde plus C H 3 M G I Grignard reagent methyl magnesium iodide reaction carried out in presence of dry ether, C H 3 attacks on carbon, M G I on oxygen, mechanism same रहेगा का एच सी एच हियर सी एच थ्री ओ एम जी आई एडप इज फॉर्म हियर, जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा हियर एच हियर ओ एच हियर सी एच थ्री प्लस एम जी ओ एच आई, ये कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल, व्हाट इज द नेम, इथाइल अल्कोहल। तो रिमेंबर वेल, फॉर्मल्डिहाइड किसी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट ओनली प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको पढ़ना अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड कौन से अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लाइक एसिटल्डिहाइड प्रोपियोनल्डिहाइड एक्सेट्रा प्लस आर एम जी एक्स, फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लेंगे, अब ये मैकेनिज्म समझा, रिएक्शन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, आर सी एच कार्बन पे कौन अटैक करेगा, आर, क्योंकि आर नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव,
सिंगल बॉन्ड, यहां रहेगा ओ एम जी एक्स, एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हियर, जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे बनेगा आर सी एच, हियर ओ एच, हियर आर, बाय प्रोडक्ट एम जी ओ एच एक्स। अब ये कौन सा सर्कल बना, तो यहां देखना कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच जहां रहता अल्कोहल फिक्स्ड सेकेंडरी अल्कोहल। देयरफॉर रिमेंबर वेल, aldehydes other than formaldehyde react with Grignard reagent to form addition product in presence of dry ether, which on acid hydrolysis give secondary alcohol. अब यहां आप कोई भी Grignard reagent लीजिएगा, you will get the corresponding alcohol. Now let us move to next reaction, RC double bond OR. इसको हम पढ़ते हैं कीटोन, कोई भी कीटोन ले सकते हैं हम यहां पे, प्लस रहेगा आर एम जी एक्स, फिर से आर जाएगा कार्बन पे, तो इसलिए आर सी आर, इस आर गोज टू कार्बन, एम जी गोज टू ऑक्सीजन, हियर इज आर एम जी एक्स, यहां रहेगा ओ, एडिशन प्रोडक्ट बन गया, जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा आर सी आर आर, हियर ओ एच, बाय प्रोडक्ट सेम लिखना एम जी ओ एच एक्स, ये बन गया कौन सा अल्कोहल, तो यहां सी ओ एच ग्रुप दिख रहा, मतलब ये टर्शरी अल्कोहल रहेगा। आपको अच्छे से याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल में सी एच टू ओ एच ग्रुप रहेगा, सेकेंडरी में सी एच ओ एच, एंड टर्शरी में सी ओ एच। देयरफॉर ऑल कीटोन्स विथ ग्रिग्नर्ड रिएक्शन गिव्स टर्शरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे यह है साइक्लिक एथर, इसको हम पढ़ते हैं वन टू इपोक्सी इथेन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, वन टू पहले और दूसरे कार्बन में सीओ से लिंकेज है, इसलिए इपोक्सी पढ़ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन ईथर्स। रिएक्ट हुआ किसके साथ, आर एम जी एक्स, वही ग्रिग्नर्ड रिएजेंट हम लेंगे। अब एक्सैक्टली व्हाट विल हैपन हियर, जरा ध्यान देना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड पेयर गोज टू ऑक्सीजन, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जिसके कारण यहां निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, फिर ये निगेटिव रहता ये पॉजिटिव रहता, तो बताइए चला पॉजिटिव कार्बन पे कौन अटैक करेगा, आर यहां अटैक करेगा, इसलिए आर, देन यहां सी रहता मतलब सी एच टू रहेगा, बैलेंस सेटिस्फाई कर लेना, यहां पे भी रहेगा सी एच टू, और ओ पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज MgX, इसलिए यहां रहेगा ओ एम जी एक्स, जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा CH2, और यहां रहेगा ओ एच, प्लस बाई प्रोडक्ट वही एम जी ओ एच एक्स, कौन सा अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बना। देयरफॉर साइक्लिक एथर like epoxy ethane with Grignard reaction also give primary alcohol. एक और रिएक्शन हम देखेंगे, इसको पढ़ना साइक्लोपेंटेनॉन, कीटोन है, इसको हम ट्रीट करेंगे विथ C6H5MgBr. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट रहेगा, बताइए जरा अब इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा, C6H5 और MgBr, तो C6H5 यहां नेगेटिव पार्ट रहेगा, ये पॉजिटिव, इसलिए यहां अटैक करेगा, Mg अटैक्स ऑन ऑक्सीजन, प्रोडक्ट मिलेगा इंटरमीडिएट, यहां जोड़ना C6H5 और यहां रहेगा ओ एम जी बी आर, फिर डायल्यूट SL ऐड करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, देखो जरा यहां तो C6H5 रहना ही है, और यहां क्या बनेगा ओ एच, प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगा एम जी ओ एच बी आर, इस प्रकार से रहेगा। अब इसका नाम क्या रहेगा देखो जरा, तो ये नंबर वन कार्बन हम अगर देखते हैं तो सिंपल वे में आप नाम लिख सकते हो वन फिनाइल, देन साइक्लो,
रिंग है इसलिए साइक्लो, पांच कार्बन है इसलिए पेंटेन और OH के लिए OL। अब रिएक्शन का टाइप कौन सा रहेगा तो देखो यहां डबल बॉन्ड है इसलिए एडिशन फिक्स्ड रहेगा। अब यहां कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसपे कौन अटैक करेगा, ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन हियर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। थैंक यू।